अब यहां पे हमें रखा है करंट अकाउंट तो जैसा कि मैंने आपसे अभी अभी एक शॉर्ट में आपको समझाया कि जो कंट्री का करंट अकाउंट है वो मेजरली तीन ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेगा कौन कौन से एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ विजिबल ठीक है नेक्स्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ इनविज़िबल, ठीक है और यूनिलेटरल ट्रांजेक्शन ठीक है तो जो मेरे पास करंट अकाउंट है वो तीन ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने वाला है विजिबल आइटम्स इनविजिबल आइटम्स एंड यूनिटरल ट्रांजेक्शन ठीक है अब एक बात समझोगे सोन साहब यहाँ पे तो ये तीन ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड करने हैं विजिबल इनविजिबल यूनिलेटरल ठीक है इसमें इसके लिए मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया कि इसका जो रिकॉर्ड है सिर्फ इसी इसी का इसको आप बैलेंस ऑफ ट्रेड का नाम भी दे सकते हैं ठीक है बट जो ये ओवरऑल तीनों रिकॉर्ड किए जाते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ विजिबल इनविजिबल ये किसका पार्ट है करंट अकाउंट तो जैसे अभी हमने पढ़ा था कि ट्रेड डेफिसिट हो सकता है ट्रेड सरप्लस हो सकता है वैसे ही कहीं ना कहीं आपके पास दो स्टेटस आ सकते हैं करंट अकाउंट के बारे में वो क्या हो सकते हैं करंट अकाउंट सरप्लस और करंट अकाउंट डेफिसिट मतलब जब आपके ओवरऑल करंट अकाउंट के अंदर ओवरऑल सब चीजों को मिलाकर के ओवरऑल अगर आपके करंट अकाउंट के अंदर इनफ्लो ऑफ फॉरेक्स इनफ्लो ऑफ फ़ॉरेक्स ज्यादा है किससे आपके आउटफ्लो ऑफ फ़ॉरेक्स से ठीक है तो करंट अकाउंट सरप्लस हो जाएगा जबकि अगर मैं करंट अकाउंट डेफिसिट की बात करूं तो इसके लिए इनफ्लो ऑफ फ़ॉरेक्स जो है वो कम होगा किससे आपके आउटफ्लो ऑफ राइट अब एक बात समझनी है स्टूडेंट आपको ध्यान से इट इज वेरी लाइकली टू बी पॉसिबल कि एक कंट्री के पास ट्रेड डेफिसिट है ट्रेड डेफिसिट बट स्टिल प्लस एन करनाटक ये पूरी तरीके से पॉसिबल है स्टूडेंट कि एक कंट्री के पास ट्रेड डेफिसिट हो जाए ठीक है लेकिन फिर भी उसका करंट अकाउंट किसमें चला जाए सरप्लस में क्योंकि देखो हो सकता है कि एक कंट्री ने जो आपके विजिबल आइटम्स है उनका जो एक्सपोर्ट है ठीक है वो तो कंपेटिवली कम किया लेकिन विजिबल आइटम का इंपोर्ट बहुत ज्यादा कर लिया तो सिर्फ विजिबल आइटम के इंपोर्ट की वजह से उनका जो आ, ये क्या कहते हैं ट्रेड अकाउंट है ठीक है वो डेफिसिट में चला गया क्योंकि ये वाला पार्ट लेकिन उस कंट्री ने इनविजिबल्स और यूनिलेटरल ट्रांजेक्शंस को इस तरीके से मॉनिटर किया कि इन दोनों के अंदर इनफ्लोस इतने ज्यादा हो गए कि वो सरपास कर गए किसको जो ट्रेड डेफिसिट हुआ था उसको तो इट इज लाइकली टू बी पॉसिबल दैट अ कंट्री हैविंग ट्रेड डेफिसिट कैन हैव अ करंट अकाउंट सरप्लस करंट अकाउंट सरप्लस हो जाए लेकिन अगर करंट अकाउंट डेफिसिट है तो तो देखो आप सिंपल सी बात समझ लो ना कि अगर करंट अकाउंट डेफिसिट है तो इसका मतलब है ट्रेड डेफिसिट तो होना ही होना है क्योंकि करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब क्या है कि ओवरऑल ही आप डेफिसिट में चले गए हैं तो आपका सिर्फ विजिबल आइटम्स कुछ भी नहीं कर सकता तो विजिबल आइटम अगर खराब है मतलब ट्रेड डेफिसिट हो गया है तो स्टिल बाकी दो चीजें मैनेज की जा सकती है और करंट अकाउंट को बैलेंस मतलब सरप्लस में लाया जा सकता है लेकिन इफ करंट अकाउंट ही पूरा खराब है तो ओनली विजिबल आइटम्स कांट डू एनीथिंग वो कुछ भी नहीं कर सकते

और एक इसमें आता है नॉन फैक्टर इनकम ठीक है दो चीजें आती है फैक्टर इनकम का मतलब है वो कोई भी इनकम जो तुमने कुछ एफर्ट किए मतलब कमा रहे हो लगातार उसके लिए कुछ कर रहे हो और उसके थ्रू तुम कमा रहे हो उन्हें हम फैक्टर इनकम का पार्ट मानते हैं ठीक है थीके? जो भी फैक्टर सर्विसेज आपको याद है ना Land, labor, capital, so, वो जो लैंड लेबर कैपिटल ऑन्टरप्रिन के थ्रू जो इनकम आएगी वो किस में आ जाती है फैक्टर so, इनकम मतलब कुछ इनविजिबल सर्विसेज को तुम जनरेट कर रहे हो किसी के लिए सेंस ऑफ सिक्योरिटी को उसके थ्रू पैसे कमा रहे हो जैसे शिपिंग है या फिर मान लो इंश्योरेंस है तो ये शिपिंग का पैसा हो गया या इंश्योरेंस का पैसा हो गया तो स्टूडेंट ये सारा कहां जाता है ये आपके नॉन फैक्टर फैक्टर इनकम इनकम में में जाता है। तो में क्या जाता है 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 तो क्या कि मेरे को मिल रही है, मैं काम कर रहा हूं और फॉर की कंपनी से मुझे सैलरी आती है सिमिलरली हो सकता है कि इंडियन जो कंपनीज है फॉरनर्स को सैलरी दे रही होंगी बहुत सारे लोग फॉरन में काम करते हैं तो इंडिया को देना पड़ेगा सैलरी तो उस तरीके से हो गया अच्छा इसके अलावा और क्या हो सकता है आपकी कोई प्रॉपर्टी या कोई भी आपने वहां पे इन्वेस्टमेंट कर रखी है उससे आपको इनकम आ रही है तो वो लेकिन फैक्टर का मतलब क्या हो गया, गया इंश्योरेंस हो गया इसके थ्रू जो आप पैसा कमा रहे हो ये किसका पार्ट बन जाएगा ये आपके नॉन फैक्टर पार्ट बन जाएगा जिसके बारे में बार बार यहां पे लिखा हुआ है ठीक है करंट अकाउंट इज इंपॉर्टेंट इन सेंस दैट इट रिफ्लेक्ट सोर्सेज एंड यूज ऑफ फैशन ये शो करता है कि कंट्री का सोर्सेस क्या क्या है और नेशनल इनकम कंट्री का कहां यूज हो रहा है इट इज अकाउंट जो एक्सपोर्ट एंड ट्रेड इज कॉल्ड अकाउंट और द मर्चेंडाइज अकाउंट ये एक और नाम है स्टूडेंट और एक ट्रेड अकाउंट तो हमने डिस्कस कर ही लिया था इट रिकॉर्ड पेमेंट्स पेमेंटिंग फ्रॉम एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ़ गुड्सिवली डिस्ट बिटवी द वैल्यू ऑफ टेंजिबल एक्सपोर्ट्स एंड कॉल्ड एज बैलेंस ऑफ trade which we have discussed already right if the value of exports exceeds that uh, of imports the balance of trade is said to be in favor right and on the contrary if the value of imports exceeds that of exports in deficit so the balance of trade will be unfavorable okay balance of trade is obtained if the value of exports of a country equals to the value of imports during a year the second part of the goods and services account is services that's a exporter import of services a transaction covered by the trading services do not involve a physical commodity changing hands. transport charges, shipping, freight, passenger taxes, brokers' fees. each example services right? and the second element of the current account is the income account, which includes employee compensation right? and investment income interest and dividend. the third element in the current account is current transfers, right?

तो वेन वी ग्रुप टुगेदर विजिबल एंड इनविजिबल ट्रांजैक्शन विजिबल गेट बैलेंस ऑफ पेमेंट्स ऑन करंट अकाउंट हमने दोनों को कर दिया तो हमें करंट अकाउंट का बैलेंस मिलेगा इफ द सम ऑफ द वैल्यू फॉरेन रिसीट्स ऑन अकाउंट ऑफ ट्रेड इन विजिबल एंड इनबल गेटर एन सम्यूर एक्सचेंज पेमेंट्स ऑन विजिबल एंड इन विजिबल वी है जो हमें आया वो ज्यादा आया गया कम ठीक है

आपके पास बहुत सी चीजें है ऐसी हैं जो है ही नहीं और डेवलपमेंट के लिए बैलेंस ऑफ पेमेंट का करंट अकाउंट होता है वो किसमें जाता जाता है डेफिसिट में ही जाता है राइट क्योंकि तो आपको मैंने रीजन दे दिया तो और ये कोई बुरी बात नहीं है मतलब कई बार ऐसा हो सकता है कि हमसे क्वेश्चन पूछ ले का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो

Further, the home country may become an attractive source of foreign investment on account of expected high returns due to favorable business conditions. which presently India may ho raha hai. Right? So, on account of expected high returns due to favorable business conditions, technological change and consequent rise in productivity. Such investment infers put downward pressure on interest rates, stimulating investment, growth, and development. These capital infers assist. पर्टिक्युलरली डेवलपिंग कंट्रीज इन देर अर्ली एफर्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन तो यहां से आपको क्या फायदा होता है राइट बैलेंस ऑफ पेमेंट्स करंट अकाउंट शोजिस दैट इज देर अ नेट आउटपु ऑफ इनकम फ्रॉम दंट्री इट इन्वॉल्व पेमेंट प्रॉब्लम डेफिसिट कैन बी फाइनेंस बाय पार्ट ऑफ इट्स गोल्ड स्टॉक टू मेक पेमेंट्स टू दिन अब कमी पड़ेगी तो क्या करेंगे कौन करता है मैंने कहा ना ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन तो आरबीआई को अपना गोल्ड रिजर्व करके कहीं ना कहीं फॉरेक्स बाय करके पेमेंट्स को चुकान पड़ेगा ऑल्टरनेटिव दी में ड्रॉप ऑन इट्स एंड फॉरन सिक्योरिटीज कंट्री कैन ऑल्सो बोर फॉर एक्सचेंज फ्रॉम वेरियस प्राइवेट एंड ऑफिशियल सोर्स

इन बैलेंसिस इन द करंट अकाउंट कैन बी सेटल थ्रू कैपिटल अकाउंट टू विच वी है इसका मतलब यह समझ में आता है कि जब भी आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट में करंट अकाउंट में कोई भी घाटा होगा या फायदा होगा तो उसका जो सेटलमेंट है वो सिर्फ कैपिटल अकाउंट के थ्रू हो सकता है कि जो भी घाटा और जो भी फायदा हो रहा है उसको देखने वाला कौन है गवर्नमेंट ऑफिशियस एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करने बैठेंगे अल्टीमेटली क्या, तो 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 क्या होगा कैपिटल अकाउंट के थ्रू तो सब कुछ सेटल किया जाए राइट तो ठीक है होपफुली करंट अकाउंट तक आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी एक बार इस पूरे लेक्चर को यहां तक अच्छे से समझ के रखना इन द नेक्स्ट लेक्चर विल डिस्कस मोर अबाउट कैपिटल अकाउंट कि कैपिटल अकाउंट क्या होता है और उसमें कौन कौन से ट्रांजेक्शन आती है और ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट का स्ट्रक्चर क्या है टिल देन टेक केयर बाय द नेक्स्ट पार्ट